हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ। मैंने मीशो से एक तो चीज़ मंगवाई है, तो आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है मीशो से। तो आज ये अनबॉक्सिंग आपके सामने कर रही हूँ। ये है बिल जो मुझे 47 में पड़ा है, जो मैंने मंगवाया है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, ये एक बॉक्स में आया है, ये मंगलसूत्र है। तो ये कॉम्बो में है मंगलसूत्र, 147 में दो मिले हैं मुझे, और इस तरह से बॉक्स में मिले हैं। और इसके ये ऊपर एक कागज़ दिया गया था, जो मैंने खोल कर देखा तो रेटिंग 5 स्टार लिखा है इस पर, तो इसकी 5 स्टार रेटिंग है। तो चलिए अब दिखाती हूँ आपको मंगलसूत्र जो मैंने मंगवाया है। तो देखिए इस तरह से है ये छोटे से। मुझे ये बहुत पसंद आया मंगलसूत्र। इसमें ब्लैक मोती में है और ये रियल गोल्ड का उस तरह से ही दिखता है, और इसका बहुत अच्छा है, दिखने में भी बहुत अच्छा है, पहनने में भी बहुत अच्छा है। ये 147 में मिला है मुझे। और एक ये है, तो ये पूरा गोल्ड का, गोल्ड जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा छोटे छोटे से 5-7 मोती है, और ये इस तरह से पूरी चेन दी गई है गोल्ड की। और देखिए इस पर छोटे छोटे से नीचे भी वो मोती दिए गए हैं। तो इस तरह से ये दो कॉम्बो में आए थे, दो मंगलसूत्र है 147 में। तो बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा है, और मैं आपको पहन कर भी दिखाती हूँ ये कैसा है। तो देखिए ये दो इस तरह से हैं, तो इस तरह से ये बॉक्स में मुझे मिला था। और इसका बॉक्स भी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का बॉक्स है, उस पर फिर से भी हम कुछ भी चीज़ अंदर रख सकते हैं। और ये देखिए मैंने पहन लिया है, ये आप कुर्ती में भी पहन सकते हो, साड़ी में भी पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ये थोड़ा सा पसंद आया क्योंकि इसकी चेन थोड़ी सी कड़क जैसी है, और ये मुझे बहुत पसंद आया। ये पूरा मंगलसूत्र लुक बहुत अच्छा आता है इससे, ये भी आप कुर्ती में पहन सकते हो। तो चलिए मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, बाय।